महाभारत में आज बात होगी शहर शहर नफरती पत्थरों की। जी हाँ, एक त्योहार जिसमें हिंदुओं की आस्था है, घर घर गणपति लाए गए हैं, गणपति पूजा हो रही है, विसर्जन की तैयारी बहुत श्रद्धा भाव के साथ होती है, लेकिन उसके बाद अगर उस विसर्जन के दौरान पत्थर चले, पत्थरबाजी हो, उपद्रव हो, हंगामा हो, तो सोचिए कि कितना दुख होगा, दुख के साथ गुस्सा भी होगा। आज सवाल यही कि जो लोग शहर शहर नफरती पत्थर बरसा रहे हैं, आखिर उनकी सोच क्या है, उनके साथ इलाज क्या किया जाए, और इस तरह की पत्थरबाजी, इस तरह के उपद्रव और दो समुदायों के बीच इस बढ़ती नफरत का समाधान क्या है, आज महाभारत इस पर है, क्योंकि सियासी आरोप भी लग रहे हैं। ताजा घटना कर्नाटक के मांड्या की है, लेकिन मांड्या की तस्वीर दिखाऊं उससे पहले आपको पांच चार तस्वीरें दिखाती हूं अलग अलग शहरों की आपको तस्वीरें दिखाती हूं, क्योंकि सिर्फ कर्नाटक में यह पत्थरबाजी नहीं हुई है, यह पत्थरबाजी हुई है मांड्या में, जिसकी तस्वीर हम आपको अभी आगे दिखाने वाले हैं। वो तस्वीर एक तो स्क्रीन पर है, लेकिन लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, गुजरात के सूरत में और रतलाम में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर सामने आई थी, जहां पर गणपति पंडाल पर पत्थरबाजी हुई, गणपति विसर्जन के दौरान हंगामा हुआ, और कैसे इस हंगामे के बाद बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। मैं आज इन सब तस्वीरों पर बात करूंगी कि हिंदुओं के त्योहारों पर आखिर इस पत्थरबाजी के पीछे कौन है, क्या ये सोच अब अलग अलग शहरों तक पहुंच गई है, हिंदू त्योहार तो उस पर पत्थर बरसाए जाए। मैं कर्नाटक की सबसे पहले आपको फ्लैग मार्च की तस्वीरें दिखाना चाहती हूं। आज सुबह सुबह कर्नाटक में जो कुछ हुआ उसके बाद वहां पर फ्लैग मार्च हुआ है, ये तस्वीरें देख लीजिए। मांड्या में आज पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, क्योंकि वहां पर धारा 144 लगाई गई है, वहां पर कल जिस तरह की हिंसा हुई उसके बाद की ये तस्वीरें हैं। ये कल पंडाल की तस्वीरें देखिए, गणेश विसर्जन जुलूस के लिए निकल रहा था, गणेश विसर्जन के लिए निकाले जा रहे थे और वहां पर ये हंगामा हुआ, जिसके बाद पुलिस को वहां आना पड़ा। लोग नाराज थे क्योंकि उनके पंडाल पर और उसके बाद विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी हुई थी, ये तस्वीर आई। अब ये भी देख लीजिए, ये पत्थरबाजी की तस्वीर है, लोग किस तरह से पत्थर बरसाते हुए इसमें कैप्चर हुए हैं, इसको भी दिखा दीजिए फुल फ्रेम, आप लोगों को देख पाएंगे जिनको हमने, ये गोले में आप जिन लोगों को देख रहे हैं ये पत्थर बरसा रहे हैं। मांड्या की यही तस्वीर आई, आप देखिए कई लोग सड़कों पर उतरे हैं और आरोप ये लगाया जा रहा है कि पेट्रोल बॉम्ब भी फेंके गए। अब अगर पेट्रोल बॉम्ब फेंके गए तो पहले से क्या इसकी प्लानिंग थी, क्योंकि यूं ही चलते किसी लड़ाई की वजह से पेट्रोल बम नहीं चलने लगते हैं, सवाल ये है। इसी के साथ साथ कल जब उपद्रव मचा तो उपद्रवियों ने फिर वहां आकर शोरूम में भी तोड़फोड़ की, एक बाइक शोरूम है जिसमें तोड़फोड़ की जा रही, तस्वीर आप देखिए, तीन लोग बकायदा चिन्हित किए जा सकते हैं इन तस्वीरों में, इन लोगों को पकड़ा जाए, इनकी धरपकड़ बहुत जरूरी है, क्योंकि ये उपद्रव मचा रहे हैं, बाइक शोरूम में जाकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, सारा सामान वहां पर, सारा सामान इन्होंने तोड़ डाला और आग के हवाले कर दिया। अलग अलग जगहों पर आगजनी भी हुई है मांड्या, अब ये उपद्रव कल कर्नाटक में हुआ, लेकिन जैसा मैं कह रही हूं ये सिर्फ कर्नाटक में नहीं है, ये सिर्फ कर्नाटक में नहीं है, अलग अलग शहरों में कुछ इसी तरह की तस्वीर आई, और इसीलिए हम सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इस तरह की पत्थरबाजी के पीछे उकसावा कहां से है, किधर से ये नफरती पत्थर चलने की सोच आ रही है। तो मांड्या में गणेश विसर्जन के जुलूस निकला था और वहां जुलूस निकलते ही एक मस्जिद के पास जब पहुंचा तो डीजे बजाने को लेकर, वहां उसे बंद करने को लेकर यह बहस शुरू हो गई। इसके बाद नारेबाजी और हंगामे की शुरुआत हुई और वहां पर मस्जिद के पास से पत्थरबाजी शुरू हुई। अब जो तस्वीर आप दिखा रही थी आपको, वहां पर दूसरे समुदाय ने पत्थरबाजी की और उसके बाद क्या हुआ, तलवार और कांच की बोतलों से भी हमला हुआ, वहां पत्थरबाजी के साथ साथ पेट्रोल बम फेंके गए, सड़क किनारे दुकानों में तोड़फोड़ हो गई, उन दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया, उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को फूंक डाला, यह सब कुछ हुआ
गणेश विसर्जन के दौरान। सवाल यही है कि इस हिंदू त्योहार को टारगेट कौन कर रहा है। पत्थरबाजी में 15 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। 3 दिन के लिए वहां पर धारा 163 लागू की गई है। स्कूल और कॉलेज वहां पर बंद कर दिए गए, उसमें छुट्टी घोषित कर दी गई है। 50 से ज्यादा उपद्रवी गिरफ्तार हुए हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखा दूं और यह भी बताना चाहती हूं कि लोग क्या कह रहे हैं इस घटना के बाद कि हिंदू त्योहार टारगेट पर क्यों है। ये देखिए, नफरत शहर शहर। सूरत लखनऊ कर्नाटक नफरती ऑर्डर। 4 दिन और हिंसा की 4 घटनाएं। मजहबी पत्थरबाज पिछले 4 दिनों से लगातार हिंदू आस्था पर पत्थर बरसा रहे हैं। पहले सूरत में गणेश पंडाल पर पत्थरबाजी की गई, फिर पत्थरबाजों ने लखनऊ में घर के अंदर स्थापित गणेश प्रतिमा को निशाना बनाया। अब कर्नाटक के मांड्या में गणेश यात्रा के जुलूस की राह रोक कर पहले मजहबी पत्थरबाजों ने बवाल काटा, फिर हिंसा की आग में हिंदुओं की आस्था को झोंक दिया। बहुसंख्यक होकर के सनातन धर्म का व्यक्ति अपने त्योहारों को नहीं मना सकता, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तस्वीरें गवाह हैं गणेश यात्रा के दौरान, जब बीती रात कर्नाटक के मांड्या में श्रद्धालुओं का रास्ता रोका गया। पत्थरबाजों ने श्रद्धालुओं को निशाना बनाया होगा, तब जुलूस में शामिल श्रद्धालुओं का क्या हाल हुआ होगा। जानकारी के मुताबिक कर्नाटक के मांड्या जिले के नागमंगला में बवाल की एक घटना तब सामने आई जब हिंदू श्रद्धालु गणेश विसर्जन यात्रा निकाल रहे थे। यात्रा जैसे ही नागमंगला में मौजूद मस्जिद के पास पहुंची, उपद्रवियों ने जुलूस यात्रा पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, जिसके बाद दोनों समुदायों के बीच झड़प शुरू हो गई और हिंदू श्रद्धालुओं के साथ जमकर हिंसा की गई। जानकारी के मुताबिक हिंसा की खबर मिलने के बाद जब तक पुलिस टीम मौके पर पहुंचती, तब तक उपद्रवियों ने आसपास की कई दुकानों और वहां खड़ी कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। फिलहाल हिंसा की इस घटना के बाद मांड्या में माहौल तनावपूर्ण है और प्रशासन ने एहतियातन कदम उठाते हुए 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। मांड्या जिले में धारा 163 लागू करते हुए शहर के सारे स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए। वहीं दूसरी तरफ मांड्या जिले में जुलूस पर पथराव के बाद बीजेपी इसे साजिश बता रही है। या जहाँ जहाँ की सरकारें हैं वहाँ यही तो मुस्लिम परस्ती तुष्टिकरण साफ साफ झलकता है। हम समझते हैं कि चुनी हुई सरकार का दायित्व है कि हर वर्ग धर्म जाति के लोगों को समान रूप से न्याय देने का काम करें, किसी के साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए। कुछ लोग जो इस तरह का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ऐसा सबक सिखाया जाए कि भविष्य में कभी वो पथराबाजी आगजनी कभी त्योहार के समय ना करें, एक स्पष्ट संकेत और संदेश देने की जरूरत है। फिलहाल प्रशासन मांड्या में शांति व्यवस्था कायम करने में लगा है, लेकिन महाभारत में सवाल पूछ रही गणपति यात्रा से किसे एतराज है? शहर शहर गणपति विसर्जन पर बवाल क्यों हो रहा है? क्या देश में हिंदू सॉफ्ट टारगेट है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।